आते ही रानी मुस्कुराने लगी। आते ही बेलोग पढ़ने लगेंगे। आते ही वो नाचने लगा। आते ही तुम काम करने लगते हो। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको पहले यूज़ कर देनी है सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इसके बाद आपको यूज़ कर देने एज सून एज और लास्ट में फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, आते ही बेलोग पढ़ने लगेंगे। देखिए यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है, बेलोग पढ़ने लगेंगे, इसको हम पहले लिख देंगे स्ट्रक्चर के मुताबिक। सो हमारा सेकेंड पार्ट जो इस प्रकार से हो जाएगा, दे विल स्टार्ट स्टार्टिंग। आते ही, आते ही का मतलब क्या है, जैसे ही वो आएंगे वैसे ही पढ़ने लग शुरू कर देंगे। सो इस पार्ट को हम इस प्रकार लिखेंगे, एज सून एज दे विल कम। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, दे विल स्टार्ट स्टडिंग एज सून एज दे विल कम। दे विल स्टार्ट स्टडिंग एज सून एज दे विल कम। नेक्स्ट सेंटेंस, आते ही तुम काम करने लगते हो। यू स्टार्ट वर्किंग एज सून एज यू कम। यू स्टार्ट वर्किंग एज सून एज यू कम। आते ही वो बातें करने लगता है। ही स्टार्ट्स टॉकिंग एज सून एज ही कम्स। ही स्टार्ट्स टॉकिंग एज सून एज ही कम्स। आते ही वो गाना गाने लगी। शी स्टार्टेड सिंगिंग एज सून एज शी कैम। शी स्टार्टेड सिंगिंग एज सून एज शी कैम। आते ही रानी मुस्कुराने लगी। रानी स्टार्टेड स्माइलिंग एज सून एज शी कैम। रानी स्टार्टेड स्माइलिंग एज सून एज शी केम। आते ही वो नाचने लगा। ही स्टार्टेड डांसिंग एज सून एज ही केम। ही स्टार्टेड डांसिंग एज सून एज ही केम।